बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मिना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। बहनों और भाइयों, आज मैं बना रही हूँ बनाना कोको शेक। इसके लिए ये मेरे पास 3 फ्रेश केले हैं और ये 2 मैंने फ्रीज किए हुए थे, तो जो जब मैंने इनको छीला तो ये ऐसे हो गए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक थे और आप भी ठीक हैं। 1 कप दूध में लूँगी, 2 चम्मच चीनी है, 1 बड़ी चम्मच जो है खाने वाली ये कोको पाउडर है, और ये 5 खजूरें हैं, इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। तो बहन और भाइयों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं केले मैंने छील लिए हैं, इनको मैं डाल लेती हूँ ब्लेंडर में, ताज़ा भी और 2 जो मैंने फ्रीज किए हुए थे वो भी साथ में डाल देती हूँ। ये 1 चम्मच जो मेरे पास कोको पाउडर है और 2 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें, मैं बस इतने यूज़ करूँगी। खजूर भी यूज़ करूँगी और केले भी, तो ये भी मीठे होते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हमारा मिल्क, तो मैं इसको कर लेती हूँ ब्लेंड। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहन और भाइयों, देखिए हमारा बहुत मज़ेदार शेक रेडी हो गया है। तो मैं इसको डाल देती हूँ इस सर्विंग कप में। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो बहुत ही आसान है और आप बिल्कुल, आपको पता ही है, देख रहे हैं आप ये कितना हेल्दी है और ये कितना ज़बरदस्त है, आसान है कितना। तो आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अपने बच्चों को दें और बुज़ुर्गों को दें, और बुज़ुर्गों को जिनको मतलब डायबिटीज़ की शिकायत है उनको तो चीनी वगैरह ना डाल के दें, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप थोड़ा सा दें उनको, हेल्दी होता है, उनको ताकत आएगी। तो बच्चों को तो ज़रूर ही ये बना के दें। खातून खाना खुद भी हैं, दफ्तर जाने वाले जो हैं या काम पर जाने वाले मर्द हजरात, उनको बना के दें। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत मज़ेदार है। तो बहनों भाइयों, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगली रेसिपी तक के लिए मैं फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।